हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस की पोस्ट के लिए। ठीक है, एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी रिलीज होती है दोस्तों, इसी के लिए हम देखेंगे कि इसके लिए सिलेबस क्या होता है जो आपको तैयार करके जाना होता है, और हवलदार की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, और इसके लिए जो पैट होता है और पीएसटी होता है। पैट मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, जो एमटीएस की पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहती है वो आप यहाँ पर देखिए। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, एमटीएस की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाता है एसएससी की ओर से, और जो हवलदार की पोस्ट होती है इसके लिए भी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाता है। और साथ में हवलदार की पोस्ट के लिए क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको शॉर्ट में पैट बोलते हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसको पीएसटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये होने वाला है हवलदार की पोस्ट के लिए। लेकिन एमटीएस की पोस्ट के लिए क्या होगा, ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसको शॉर्ट में सीबीई बोलते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम एसएससी की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा, ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस में रहेगा। और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस का, जैसे असामीज हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, इस तरह से मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तो ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और हिंदी और इंग्लिश में भी जो है, मतलब इन लैंग्वेजेस में जो है आपका सीबीटी जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसमें सेशन फर्स्ट रहेगा और सेशन सेकंड रहेगा। ये दोनों सेम डे रहने वाले हैं, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन ये सेशन फर्स्ट और ये सेशन सेकंड होगा, कंप्यूटर पे ही होगा दोस्तों। पहले यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा सेशन फर्स्ट, और इसके लिए आपको दिया जाएगा टाइम 45 मिनट्स का। ओके, तो सेशन फर्स्ट में आपको पूछा जाएगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो 45 मिनट्स का टाइम होगा आपका सेशन फर्स्ट के लिए। जैसे ही ये 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब जो आपका पेपर है जो भी आपने किया होगा वो सबमिट हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है वहां पर टाइम, तो ये सबमिट हो जाता है। और तुरंत उसके बाद जैसे ही सेशन फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया, तुरंत यहाँ पर सेशन सेकेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेशन सेकेंड में आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से भी 25 क्वेश्चन होंगे जो 75 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए टाइम कितना होगा, 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और जैसे ही ये 45 मिनट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपका जो पेपर है, जो एग्जाम है वो एंड हो जाएगा उसका, मतलब पेपर आपका हो गया। फिर उसके बाद आप जा सकते हैं जैसे भी वो आपको बताएंगे वहां पे। नीचे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन। टू सेशन में यहाँ पे होगा, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड ऑन द सेम डे। सेम डे यहाँ पर मतलब उसी दिन ये होने वाला है दोनों, सेशन फर्स्ट भी सेशन सेकेंड भी। बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, दोनों सेशन देना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है, कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स टू कम्प्लीट सेशन फर्स्ट। आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे सेशन फर्स्ट को करने के लिए। जैसे ही 45 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे सेशन जो फर्स्ट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पे टेस्ट है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद फिर लिखा है इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन फर्स्ट। जैसे ही सेशन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा सेशन सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, और सेशन सेकंड के लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और जैसे ही ये सेशन सेकंड के जो 45 मिनट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है विल कम टू एन एंड, इस तरीके से आपका पेपर जो है वहां पर खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, मल्टीपल चॉइस का रहता है,
और जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताया है कि जो क्वेश्चन सेट किए जाएंगे वो इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में सेट होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर फर्स्ट सेशन के लिए नहीं होने वाली है, लेकिन जो सेशन सेकंड रहेगा, सेशन सेकंड में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ईच रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क की यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब एक नंबर आपका काटा जाएगा अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे जब आप आंसर कर रहे होंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते टाइम आपको इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए। फिर यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस जो है, मतलब जो सिलेबस आपका रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, कहाँ से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में आपको क्या क्या तैयार करना है, तो देखिए इसमें होता है प्रॉब्लम रिलेटेड रिलेटिंग टू इंटीजर एंड होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक जियोमेट्रिक फिगर, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइंस एंड एंगल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डेटा, स्केयर एंड स्केयर रूट एटेस्टा। तो इस तरीके का ये सिलेबस रहता है इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या आपको इसमें तैयार करना है। नेक्स्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको तैयार करना है, जैसे कि द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडी, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड का ही यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन में देखिए यहाँ पे क्या क्या तैयार करके आपको जाना है पेपर देने के लिए। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर जिनको मतलब हवलदार की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए यहाँ पर जो है वो पीएसटी होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी जो वॉकिंग है वो मेल के लिए 1600 मीटर की रहेगी, 15 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करनी है, और फीमेल्स के लिए वॉकिंग जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर रहेगा, 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर पीएसटी रहेगा, और पीएसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट देखी जाएगी 157.5 सेंटीमीटर, ये रिलैक्सेबल रहेगी 5 सेंटीमीटर के। अगर गढ़वाली हैं आप, असामीज हैं, गोरखाज हैं या मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट देखी जाती है 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल की बात करें अगर यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर देखी जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेबल रहेगा। अगर आप गढ़वाली हैं, आसामीज हैं, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, आपका यहाँ पर वेट देखा जाता है फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पर 48 kg आपका जो है वो जो वेट है वो होना चाहिए, रिलैक्सेबल 2 kg का रहेगा। अगर आप गढ़वाली से आते हैं, आसामी से आते हैं, गोरखा से आते हैं एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब से अगर आप आते हैं, ठीक है। और ये जो पेट और पीएसटी होता है ये कंडक्ट कराया जाता है बाय सीबीआईसी सीबीएन एट वेरियस सेंटर्स में, जो फाइनलाइज किए जाते हैं उनकी ओर से। द कैंडिडेट्स मे बी कॉल्ड फॉर पेट पीएसटी टू एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री, तो कैंडिडेट्स को कहीं पर भी बुलाया जा सकता है पेट या पीएसटी देने के लिए। उसके बाद फिर फाइनली जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और इस तरीके से फिर आपको जो पोस्ट है वो दी जाती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।